ये मशीन कैसे चलेगी? आंखों को स्कैन करने से आंख के सामने लेके जाओगे। यदि हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो उसमें फिंगर लगाना होता है, अंगूठा या अंगुली लगाते हैं, तो उसको स्कैन करके और वो मशीन काम करती है। ये आपके आंखों की जो आयरस है उसको स्कैन करने के बाद मशीन काम करती है। क्लियर? नाम सबको याद हो गया, आयरस मशीन। इस मशीन की यदि मैं बात करूं तो ये मशीन कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से जुड़ करके काम करेगी। आप कंप्यूटर से जोड़ करके भी काम में ले सकते हो, और यदि आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी जोड़ करके काम में ले सकते हो। क्लियर? कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ये केबल है, डेटा केबल या यूएसबी केबल, ठीक है? ऐसी केबल को अपन कंप्यूटर से लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। यदि हमें इसी मशीन को क्या करना है, मोबाइल से जोड़ना है, तो इस तरह की एक छोटी केबल आती है, इस केबल को बोलते हैं ओटीजी। क्या बोलते हैं? ओटीजी केबल। क्लियर? ओटीजी केबल जो है वो आपको उसी तरह के पोर्ट में मिलेगी जैसा आपका चार्जर का पोर्ट है, यानी मोबाइल में जो चार्जर आप लगा रहे हैं वैसी पिन होगी। किसी का सी टाइप का है तो सी टाइप का होगा, किसी का चौकोर है तो वो चौकोर। ये एक ओटीजी केबल इस मशीन के साथ फ्री है, किसी का सी टाइप का है तो वो मार्केट से ले लेना, 10-20 रुपए में ये केबल आपको। इसका नाम ओटीजी केबल। क्लियर? तो इसको मैं यहां से कनेक्ट कर लेता। अब यानी ये मशीन का जो दूसरा छोर इस केबल का है, ये हम कहां से कनेक्ट करेंगे? मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। पर उससे पहले आप यहां देखते हैं कि ये मशीन जो है जब आप प्रयोग में ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो कैसे काम में लेंगे, इसको कहां से जोड़ेंगे? इसमें ये इसका स्टैंड है, ठीक है? इस स्टैंड के लिए इसको इस तरह से पकड़ो, ये हिस्सा देखो। जब भी आप काम में लेंगे, जब भी आप आयरस आंखें स्कैन कर रहे हैं, एक चीज का उसे ध्यान रखना, फील्ड में से आप लोगों की कईयों की कॉल भी गई, सर मेरी मशीन काम नहीं कर रही, मशीन तो मोबाइल में जुड़ गई पर स्कैन नहीं हो रहा। वो तभी होगा आप जब आप आंखें स्कैन कर रहे हो तो इसमें आंख का निशान बना हुआ है, इसमें गोलाकार बिंदु बना हुआ है, गोल बना हुआ है, उस गोले की तरफ देखना है आपको। ये नहीं कि मैं अंगूठा लगा रहा हूँ इधर, मोबाइल में इधर टच कर रहा हूँ तो नजर घूम गई, उस टाइम फिर वो स्कैन नहीं कर पाता। तो अपने को डायरेक्टली यही देखना है, इसको इस तरह से पकड़ा मशीन को, ये है इस तरह से पकड़ो, हल्का सा जैसे अपन प्रेस कर रहे हैं थोड़ा सा दबाव दिया, ये लग जाए, जुड़ गया। हटाना है वापस, देखो इस तरह से पकड़ा, अंगूठे से थोड़ा सा दबाव देंगे, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको कनेक्ट करने का। कनेक्ट करने के बाद क्या करना हुआ, इसको यहाँ इस तरह से रखेंगे और जब मैं इसमें देखूंगा तो मेरी आंख जो गोला इसमें बना हुआ है उसके मिड में हो, बीच में। यदि बीच में है तो ये आंख स्कैन होगी। दूसरा, जब आप आंखें स्कैन कर रहे हैं तो टिमटिमानी नहीं है, या इधर मैं अभी इधर देखूं और इसमें स्कैन करूं तो ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है आप लोगों को पता है? यदि आपने बायोमेट्रिक मशीन से स्कैन किया है, फिंगर मशीन से आपने डीजीपी का ट्रांजेक्शन किया है, तो उसमें हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाए। पर यदि आपने आयरस से ट्रांजेक्शन किया है तो इसके फेल होने की संभावना ना के बराबर होती है, 0.001% ही मानो कि इससे आपने डीजीपी से ट्रांजेक्शन किया है, पैसे की लेन देन की है, तो वो ट्रांजेक्शन फेल होगा, वो कभी फेल नहीं। तो ये एक ये भी पॉजिटिव इसका अच्छा पार्ट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब बात थी कि इसको कैसे काम में लेंगे। इसको काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे मोबाइल में इस मशीन का ऐप हमें इंस्टॉल करना होगा, और मशीन का जो कवर है, बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम। इस मशीन का नाम है MIS-100V2। आगे जब आप प्ले स्टोर में लिखेंगे तो RT सर्विस लिखा हुआ जाएगा। देखो मैं मोबाइल में यहाँ प्ले स्टोर में जा रहा हूँ, प्ले स्टोर सब लोग जानते हैं, ऐप सब डाउनलोड करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गेम डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, आप तो सारे कर सकते हो। प्ले स्टोर में गए, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे MIS-100V2। V2 जैसे ही लिखा RD सर्विस आ गया, ठीक है? जिस RD सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। इस मोबाइल में पहले से किया हुआ है, ये ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं यहां से। मैंने ये केबल कनेक्ट कर दी इसकी, ठीक है? मैंने ओपन किया। अब देखो कैप्चर करने की यदि हम बात करें, इसकी मैं बात करूं तो देखो अभी इसमें दिखा नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। यदि आपकी मशीन कनेक्ट होगी, कुछ बेसिक चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें हैं, यदि वो आपको समझ में आ गई तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। बात छोटी है पर बहुत काम की है। अब ये मशीन जुड़ी कि नहीं जुड़ी कैसे पता चले?
बोलो बिल्कुल टेस्ट करेंगे, पर टेस्ट से पहले भी पता चल जाएगा। देखो इसमें मॉडल नंबर और सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, नीचे इस ऐप में देखोगे यदि आपकी मशीन कनेक्ट हो गई तो वो यहीं पे दिखा देगा। ये कनेक्ट हमने कर दिया, हम बात ये कर रहे थे कि केबल हमने जोड़ दी, ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, फिर भी ये काम नहीं कर रही, ये शो नहीं कर रहा है कि मशीन आपकी जुड़ी हुई नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था इस छोटी सी केबल का नाम था OTG, यानी इस मोबाइल में OTG केबल को ऑन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं या कुछ ऐसी कंपनियों के मोबाइल हैं जिनमें आप OTG केबल को लगाओगे तो लगाते ही वो काम करना स्टार्ट करेगा। कुछ ऐसी हैं जिनमें आपको OTG ऑन करना पड़ेगा, तो मैं इसमें पहले OTG ऑन कर लेता हूँ। OTG ऑन कहाँ से होगा? मोबाइल में सेटिंग्स का जो ऑप्शन आता है वहां जाएंगे। मैं सेटिंग पे क्लिक किया, मैंने यहाँ सेटिंग में जाने के बाद, या तो आप यहाँ देखो डायरेक्टली आपको यहीं पे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लो, ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। OTG मैंने लिखा, अभी ये सर्च करके शो कर देगा इसमें कि OTG का ऑप्शन कहाँ है। OTG ऑन करने के बाद ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है? मैंने इसको लगाया, ओके कर दिया। अब इसके बाद वापस उसी ऐप पे जाना है, क्योंकि अभी हमें कंफर्म करना है मशीन कनेक्ट हुई या नहीं हुई, तो मैं वापस वहीं चला जाता हूँ जहाँ हमने इसकी RD सर्विस डाल रखी थी। मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद देखो नीचे इसके सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है, इसका मतलब ये जुड़ गया। और भी आपको टेस्ट करना है तो कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही मैंने यहाँ कैप्चर टेस्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इसमें लाइट ऑन होगी, जल रही है लाइट, दोनों साइड में इसमें लाइट ऑन होगी, इसका मतलब मशीन काम कर रही है। आप आँख के सामने लेकर के जाओगे तो ये आँखें स्कैन कर देगा, यदि मैं यहाँ लेकर के जाऊँगा तो ये रीड करेगा। दोबारा लगा देता हूँ, दिख रहा है इसमें आँख का चित्र दिख रहा है, इसका मतलब मशीन तो काम कर रही है, ठीक है? अब यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया कि मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है कि DGPay से ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, DGPay से ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन वाला काम आप सभी को करना है। ये चीज पहले ही आपको बता दी थी कि ट्रांजैक्शन मंथली आपको कम से कम 10-20 ट्रांजैक्शन करने हैं, आप चाहे किसी के भी करो, बाकी आप ट्रांजैक्शन करोगे और जब कमीशन आएगा तो अपने आप लोगों को मजा आ जाएगा। पहले नहीं था, लोगों की डिमांड थी कि सर ये ऑप्शन आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, तो ये एक अच्छा पार्ट इसमें जुड़ गया। फिर उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी है, आपके पास सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो आप उसके बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी आए कहे भैया मेरे खाते में चेक कर दो कितने पैसे हैं, तो आप बैलेंस इंक्वायरी में जाकर के बैंक का नाम सेलेक्ट करो, आधार कार्ड नंबर डालो और जो है मोबाइल नंबर डाल करके जैसे स्कैन करेंगे उसके खाते की इंक्वायरी आ जाएगी कि खाते में बैलेंस कितना है। क्लियर? बैक किया वापस। फिर इसके बाद आ रहा है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट सब जानते हैं बैंक में स्टेटमेंट का मतलब पूरी डिटेल आती है, कितना लेन देन है। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, यहाँ कुछ ऐसे बैंक हैं जिनमें एक बार यदि आपने फिंगर लगा दिया यानी उसका बैलेंस इंक्वायरी कर ली तो उस दिन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उस दिन खाते से पैसा नहीं निकलेगा, अगले दिन ही निकलेगा। इसलिए कोई पूछे कि मेरे बैलेंस की इंक्वायरी कर दो तो उसकी बैलेंस इंक्वायरी मत करो, आप मिनी स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट में पता चल जाएगा लास्ट में इतने पैसे हैं, फिर उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, यानी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? फिर इसके बाद आ रहा है कार्ड एंड पिन। यदि आप कार्ड वगैरह यूज में लेना चाहो तो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कार्ड आते हैं आपके ATM कार्ड वगैरह, वो कार्ड भी आप इसमें यूज में ले सकते हो। कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हो और बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? बैंक, इसके बाद मनी ट्रांसफर, पैसे का ट्रांसफर कर सकते हो, वो गूगल पे फोन पे करते हैं ना लोग, वो काम यहाँ भी कर सकते हो आप, ठीक है? इसमें क्या डालना है, हमें उसका वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे उसने UPI ID वगैरह क्रिएट कर रखी है, यानी फोन पे गूगल पे बना रखा है, ठीक है? तो वो जो भी रजिस्टर्ड उसका अकाउंट है उस UPI अकाउंट पे उसका पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, वॉलेट रिचार्ज, ये बहुत काम की चीज है। वॉलेट रिचार्ज अभी जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को इसकी, पर आप में से कोई नया काम करना चाहेगा CSC का, जैसे अभी सर ने क्या है कि आपके पास कोई आया, आपने उसके खाते से 2000 रुपए निकाल दिए और उसको दे दिए, अब वो पैसा आपके DGPay में आ गया,
अब उस पैसे को आप एटीएम से या जो है बैंक से निकलवाना चाह रहे हैं या आप चेक से निकलवाना चाह रहे हैं, तो वो पैसा आपके खाते में कब जाएगा, जब आप क्या करेंगे, पे आउट पे क्लिक करो। यानी अब तक आपका पैसा केवल इस ऐप में था, जैसे फोन पे वगैरह में रहता है ना, ऐसे वो खाते में कब जाएगा, जब पे आउट पे क्लिक करेंगे। आप अमाउंट लिखो और वही IMPS और NEFT, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि आपने IMPS कर दिया तो 5 रुपए कट जाए, हमें 5 रुपए काटने नहीं है, हम कमाने के लिए बैठे हैं, तो हमें तो NEFT करना है, NEFT, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, IMPS में एक ही सेकंड में पैसा आपके खाते में आ जाएगा, और NEFT यदि आप कर रहे हैं तो उसमें लगभग 20 मिनट तक का टाइम लगता है, आपके खाते में वो आ जाएगा। ये भी है कि तुरंत भी आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत नहीं आएगा, पर इसमें टाइम बाउंडेशन है कि लगभग 20 से 30 मिनट लग सकती है, ठीक है। तो NEFT ही करना है, 5 रुपए गंवाने नहीं है। ये जैसे आपने पे आउट किया, पे आउट करने के बाद आपका जो पैसा इस डीजीपे के वॉलेट में था वो किस में चला जाएगा, खाते में, फिर आप निकलवा सकते हो एटीएम से या फिर बैंक में जाकर के, या फिर आप किससे निकलवा सकते हैं, आपके चेक से। पासबुक में जाओगे तो यहाँ से जो है ये पासबुक दिखा देगा, अब इनके खाते में कितना कमीशन आया हुआ है वो सारी चीजें देखो, 9.84 रुपया क्रेडिट दिखा रहा है, यानी इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया था उसका कमीशन है, ठीक, पर डे की पर डे कमीशन आएगा, ये पासबुक में दिखा देगा। ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे शो कर देगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री, लेन देन जो भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और लास्ट बच रहा है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो वो डायरेक्टली आपको वहां लेकर दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके सॉल्यूशन यानी जवाब आपको इधर मिल जाएगा, डीजीपे कैसे काम मिलेगा, क्लियर। आप लोग ज्यादातर 2-3 ही सर्विस काम मिलेंगे, भी पैसा जमा करना, पैसा निकालना और पैसे का पे आउट करना, ठीक है। बाकी तो जैसे जैसे जो लोग ज्यादा काम करेंगे वो इन ऑप्शंस को यूज में लेते चलेंगे।